गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह कि आज सुबह दो तीन दिन से इनकी कमर में दर्द हो रहा था, तो सुबह उठा रही थी तो उठ ही नहीं रहे थे। उठने में बहुत देर लग गई क्योंकि दर्द था। तो बाहर जब जाके देखा तो इतनी बारिश आ रही थी बहुत तेज़। तो मैं इनको यही कह रही, मैं कहा थोड़ी देर लेटे रहो, कोई बात नहीं। और तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है, दुकान पर वैसे नहीं जा सकते। बारिश इतनी तेज़ आ रही है, इतनी तेज़ बारिश आ रही है गाइस। देखो हमारे यहाँ तो सारा का सारा ऐसे पानी भर जाता है। भैया साथ काम कर रहे हैं, बेचारे ये भी बरसात में काम कर रहे हैं, सारा वहाँ भी काम चल रहा है, यहाँ भी काम चल रहा है। पूरी गली की, बस पूरी गली गाइस पानी से भर चुकी है। पता नहीं क्या करें। भैया आपकी तो रेत सारी बह जाएगी, रेत बह जाएगी सारी, अंदर कर लो। हाँ उस दिन बजरपुर भी सारा बह गया था आपका गाइस। ये देखो, और ये देखो हमारे ऊपर से यहाँ से पानी आ रहा है, नलके से सॉरी ये पाइप से कितना ज्यादा आ रहा है। और बारिश अब हल्की हो गई है, पहले बहुत तेज थी। लंच में बन रहे हैं आज पोहे, तो पोहे बना रहे हैं। तो पोहे कम थे, अभी मैं साथ वाली दुकान पे पोहे लेने गई थी तो गाइस सारी भीग के आई हूँ, पूरा का पूरा मेरा भीग गया। जब मैं गई थी बिल्कुल हल्की हल्की बारिश थी, जब वापसी आई थी इतनी तेज़ बारिश थी इतनी तेज कि मैं सारी बिल्कुल भीग के आ चुकी हूँ गाइस। अभी जो काकू है वो नहा के आया है, ये देखो बारिश में नहा रहा है बारिश में। और इसकी नाव है, नाव सही बनी नहीं है, और ये नाव ऐसी की ऐसे। और देख एक नाव और आ गई, ऊपर से फेंक दी तेरे पापा ने, देख तेरे पापा ने एक नाव फेंक दी है। आज बारिश इतनी आ रही थी कि अभी बारिश रुकी है। और दूध भी नहीं था घर में क्योंकि सुबह जो चाय बनाई थी लग गया था, फटाफट मैं दूध लेके आई और हमारी चाय बन चुकी है। जो चम्मच वाली चाय है ये है मेरी, क्योंकि इसमें हल्की सी बुरा है, बुरादा डाला है इसमें हल्का सा। और ये वाली है इनकी फीकी, इन्होंने तो बिल्कुल फीकी पीनी शुरू कर दी है अब चाय। चलो गाइज आप भी हमारे साथ चाय पी। गाइज आज हमारी कोको खो गई थी। मैं खाने लगी पोहे, तो जैसे ही मैंने पोहे खाए मुझे चीना कह रही हूँ कोको पूछी नज़र आई, मेरे कोको नज़र नहीं आई। मैंने इनसे पूछा कोको कहाँ है, कहते बाहर होगी। मैंने इधर उधर देखा, कहीं देखा, मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मैं जाके ऊपर सोनिया के ड्राइंग रूम में देखा, डॉली के ड्राइंग रूम में देखा, कमरों में देखा, कहीं नज़र नहीं आई। मैंने सरिता को ऊपर भेजा, मैं कहा जाके देख पौधों के पीछे छुपी ना हो। कहती आंटी बारिश आ रही है, पौधों के पीछे नहीं छुपी, डॉगी कभी भी बारिश में ऊपर नहीं जाते। मैंने कहा फिर भी तू एक बार देखा, वो सारी छत देख के आई मगर ये कहीं नज़र नहीं आई। और ये देखो ये यहाँ पर मैंने अब लिटाई हुई है। और ये कहाँ पर मिली थी गाइज आप सोच भी नहीं सकते। जो हमारी मदर इन लॉ का कमरा है, जो खिड़की है, खिड़की में पर्दे लगे हैं और पर्दे पे थोड़ी सी थड़ी बनी होती है, उस थड़ी के अंदर छुप के बैठी थी और उसके आगे पर्दे थे। यानी कि फिर हमने पलंग के नीचे ढूंढना शुरू किया, सेट के नीचे ढूंढना शुरू किया कि मैं ढूंढूँ कहाँ है। तो सरिता ने देखा, कहती आंटी कोई ना पर्दा हिल रहा है, तो देखा तो ये पर्दे के पीछे बैठी थी। मतलब इसको इतनी भी नहीं समझ कि कोई खिड़की पे चढ़ के बैठता है, कौन खिड़की पे चढ़ के बैठता है। और ये जाके खिड़की पे चढ़ के बैठ गई, खिड़की पे चढ़ी हुई है, उसके ऊपर पर्दा है, यानी कि पर्दे के पीछे छुप गई है। और मेरी आधी जान निकल गई, मेरा रोटी खाने का दिल ना करे। मैं कहा ना, जब तक मेरी कोको नजर नहीं आएगी मैं रोटी का दाना नहीं खा सकती। अरे बच्चा सामने हो, मेरे सामने है दोनों, तो मैं चाय पी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मतलब अपने सामने बिठाती हूँ, तो इसको ना कंबल के ऊपर बैठना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा भाई मैं तो डर गई थी, इसको ये खो गई, मेरी लड़की गई। मैंने इसको कंबल पे लेटा दिया। मैं कहा भाई लेट जा कंबल पे, तेरे को आराम मिलता है, तू लेट, इधर उधर मत भाग। आगे से पता चल गया इसका ये भी जगह है छुपने की। बस अभी गाइस बिग बॉस देख रहे थे तो शिवानी बाहर हो गई, मतलब कि हम 9 लोग थे, 8 रह गए। अच्छा नहीं लग रहा हूँ। एक बात है, शिवानी के साथ रौनक बहुत थी, बहुत हंसी मजाक करती थी, बहुत हंसी मजाक, हर बात पे हंसी मजाक लेना। कई एक सीन था जब सना मकलूब ने बोला था कि मेरा नाक नहीं छिदा हुआ, तो नाक नहीं छिदा तो आप कब छिदवाओगे? कहते मैं शादी पे छिदवाऊंगी। कहते शादी पे क्यों? कहते हमारे में ना बड़ी बड़ी नथ पहनते हैं। कहते ऐसे ना हो शादी पे मवाद ही निकालते रहो। तो बहुत अच्छा सीन था, बहुत अच्छा, और बहुत हंसी मजाक करती थी। कैसा? हाँ जी, मैं कहा कैसे शिवानी निकली, कैसा लगा? अजीब लगा, अजय ना बहुत अच्छी मजाक करती थी। अब कोई भी निकल रहा है ना तो अच्छा नहीं निकल रहा, क्योंकि हम लोगों को ना इनको देखने की आदत पड़ गई थी, है ना, देखने की आदत पड़ गई थी। हाँ मगर अब ये तो है नहीं कि सब नहीं निकलेंगे। 9 थे, 8 रह गए हैं, 7 रह जाएंगे, जीतेगा तो एक ही। 17 एक और भी तो आया था, मगर जो भी हो बस अब क्या कर सकते हैं गाइस, कुछ नहीं कर सकते। अब जो है एक एक करके निकलेंगे। चलो शुरू हो गया दोबारा बिग बॉस लगाओ। अभी बिग बॉस ने तो एकदम झटका ही दे दिया। एकदम पहले दिखाया कि शिवानी गई, और शिवानी का तो अभी बेचारे सारे भूले भी नहीं थे, एकदम विशाल को भी बाहर कर दिया। ये तो आज है, मैं कहा तो 2 निकल गए, ये क्या हो गया? अब हफ्ता ही रह गया ना, हफ्ते में बारी बारी देखो, अब 7 रह गए, 7 में से एक 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 करके।
देखो फाइनल में पहुंच जाएंगे। चलो जो उन्होंने फैसला लिया कुछ सोच समझ के लिया होगा बिग बॉस ने, नहीं एकदम ही अनिल कपूर ने कह दिया कि एक बंदा और निकलेगा। अभी वो कह रहे हैं हमें शिवानी का ही झटका नहीं हटा और एकदम और झटका दे दिया। गाइस ये गेम बड़ी मस्त है। वैसे मैंने कभी बिग बॉस नहीं देखा, कभी भी बिग बॉस नहीं देखा, पहली बार देखा है। अब आगे से मैं बिग बॉस देखा करूँगी, मुझे अच्छा लगा है। सारे ऊपर देखते थे, मैं कह पता नहीं क्या देखते रहते हैं मगर गाइस अब मैं देखूंगी। ओ, क्या नाम है, आंखों में पट्टी रख ले, रुमाल रख लेता है, रोज हो जाता है। हाँ रोशनी आ रही होती है ना गाइस। जब से ये दुकान से आए हैं कुछ ना कुछ किसी बात पे खिजे बैठे हैं। लगता है कोई कस्टमर दुकान पे आया था जो आपको पता नहीं क्या सुना के गया, क्या करके गया, जो इतना भेड़ा सा मुंह बना के बैठे हुए। सुनाकर नहीं गया, मैं तो बोल रहा था मैंने साथ काम से जाना है, तू दुकान में साथ आई नहीं है। 7 बजे नहीं आई, आपको पता कितनी बारिश आ रही थी? नहीं बारिश आ रही, कोई तूफान आंधी तूफान नहीं रही है। आंधी तूफान नहीं आ रही, बारिश आंधी तूफान एक ही तो होता है। तूफान आ रहा हो या बड़ी हवा चल रही है कुछ है, हल्की बारिश तो छाता लेके दुकान पे आ सकती है। देखो कह रहे बारिश आ रही है और छाता लेके तू आ जा, और इतनी हवा चल रही है, इतनी बारिश आ रही है, इतना कीचड़ है, और चाहे मैं गिर जाऊँ। नहीं कीचड़ गया, किनारे किनारे हमारे गले के जो फुटपाथ बनी है उस पे चढ़ के थड़ी पे आ जा। हाँ लोगों की थड़ियों पे चढ़ जाओ, लोग तेरे को बना थोड़ी कर रहे, मेरी थड़ी में चढ़, थड़ी पे चढ़ के आ जा और अपना छाता पकड़ ले, और 2 मिनट में अपने जो काम है मैं कराऊंगा। मेरा सारा बीच में काम रह गया, बारिश है, कल कराना। हमें बस सुबह उठ के स्पेशल 8 बजे उठ के उसको देना पड़ेगा काम, द्वारा 10 बजे से लेना पड़ेगा। अगर मैं आज उसको दिया था तो मैं कल सुबह से ले आता, मेरे तो डबल चक्कर लगे ना कल के। नहीं डबल क्या चक्कर लगे, मैं सुबह दुकान पे आ जाऊंगी, आप सुबह दुकान पे आ जाओगे, कारीगर को ध्यान है, डबल कहाँ से चक्कर लगा, जब आप गए नहीं हो तो डबल कहाँ से चक्कर लगे। चक्कर अब लगाया इसलिए कल भी बारिश आ गई तो तू क्या 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 करेगी इतना, बारिश आ गई तो क्या करूंगी, आ जाऊंगी छाता लेके, फिर छाता लेके आने। और मैं वहां तो साबुनदानी के अंदर छोटा टूटा साबुन का रखा हुआ है, और जैसे मेरे हाथ से वो बाथरूम गया हूँ, मैंने उठाया मेरे हाथ से स्लिप कर गया, मैंने उठाने लगा, मेरे यहाँ सारी वो पड़ गई है निशान, देख सारा ये निशान पड़ गया। इसको अभी तेरे को नजर नहीं आ रहा, सुबह 10 बजे तक नजर आएगा। तेरा कोई भी काम ढंग से नहीं है, कोई भी काम ढंग से नहीं है, मैं समझ नहीं आता। अच्छा जब से बिग बॉस चालू हुआ है, बिग बॉस में कुछ हुई है, वही देखना है, वही काम करना है। साबुन एक बात कहूँ, पहले तो बड़ा ही साबुन रखा था, उसके बाद छोटा हो गया, तो छोटे साबुन को क्या फेंक दूँ? फेंक दे छोटे साबुन को, बड़ा साबुन रखा, ठीक है, आगे से जैसे आधी चक्की हो करके मैं आधी चक्की फेंक दूंगा। आधी फेंक दे कोई बात, हाँ आधी की आधी चक्की, मुझे लगता है दुकान से कहीं ना कहीं से चिड़के आए हो, कुछ है, कोई ना कोई पता नहीं कौन आया कौन नहीं आया, जो आपको पता नहीं चिड़चिड़ा करके चला गया, जो कस्टमर आया लेकर चले गए चुपचाप, तेरी तरह कोई चीखी करने वाला नहीं है। अब लेट गए, रोटी नहीं खानी क्या? देखो 11 बज गए, 11:15 हो गए, 11:15 हो गए, खाली जो मन मुड़ के करेगा खा लूंगा। बनाया क्या है? सुबह तो वो पोहे बना गई थी। अच्छा, फिर कोफ्ते पड़े हुए हैं और पनीर की सब्जी भी पड़ी है। ये कोफ्ते शोफ्ते वगैरह मेरे को नहीं खाने। हाँ कोफ्ते होते हैं शोफ्ते होते हैं, कोफ्ते शोफ्ते ही बोलते हैं उसको, कोई शोफ्ते नहीं बोलता, कौन बोलता है शोफ्ते, मुझे क्या हंसाना, चिड़चिड़े आदमी को क्या हंसा के करना है। अच्छा जब दिल करेगा बता देना फिर। हाँ मैंने कोको पूछी को तो खिला दी है रोटी, ठीक है सही है। हाँ अब जब दिल करे तो मुझे बता देना कि जब खानी हो तो, ठीक है। हमारे जानवर है वो चार टाइम की रोटी खा लेते हैं। हाँ तो फिर आप खा लो ना, आप उनकी उनके साथ अपनी तुलना क्यों कर रहे हो, खाओ, आपको मना कर रहा है कोई? मना नहीं कर रहा था, तू ज्यादा ही तुझे जो रहता, ठीक है कोई बात नहीं। जब इंसान का कभी दिल ना हो ना किसी से फालतू बोलने का कुछ करने का, चिड़चिड़ करने से अच्छा है कि अपना पढ़ो टीवी देखो, जब आपको भूख लगे पेट में चूहे कूदने शुरू हो जाए तो मुझे बता देना, मैं रोटी बना दूंगी। मैं जा रही हूँ निक्की के पास 10 मिनट, हाँ तो बिल्ली चूहे जो कूदे, मैं जा रही निक्की के पास, बता देना, आवाज मार देना, यहाँ बैठना ही बेकार है। मैं निक्की के पास आई हूँ, मैं कह ये तो निक्की कर रहे हैं चिड़चिड़ इन, ये मैं मतलब कि मेरे पीछे पड़ गए हैं कि शाम को 7 बजे बारिश आ रही थी तो दुकान पे क्यों नहीं आई। अगर जिस दिन दुकान पे चले जाओ तो उस दिन कहेंगे मैंने, हाँ जिस दिन दुकान पे चले जाओ उस दिन कहेंगे मैंने कारीगर के पास नहीं जाना। जिस दिन कभी ना जाओ तो इनको कारीगर के पास जाना होता है, क्यों? वो कारीगर इनको जबरदस्ती बुलाता है, आज 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 तेरी बीबी नहीं आई तो आज तू आ, कह रहे हैं बारिश थी आंधी थी तूफान थी तू आ जाती। मैं चिड़चिड़ में रोटी खा लो, तू कोपते पड़े हैं ये पड़े हैं, मेरे को जब भूख लगेगी, मैं जब भूख लगेगी
हाँ अभी 10 मिनट में ठीक हो, जब पेट में चूहे कूदेंगे ना भूख लगेगी तो अपने आप अभी 10 मिनट बाद कहेंगे ललटा है रोटी, हाँ मिठास आ जाएगी, अभी कड़वाहट है क्योंकि पेट में ना भरा हुआ है। अच्छा इससे अच्छा है कि मैंने कहा मैं तो बैठी हूँ निक्की के पास 10 मिनट, जब आपको याद आए मेरी रोटी की और चूहे चूहे बिल्लियां कूद रही हूँ तो मुझे आवाज मार देना, ठीक है ना। मैं भी जैसे ऑफिस से निकलने गई थी ना उसी टाइम जस्ट बारिश स्टार्ट हुई, जब बारिश आ रही थी ना, जब बारिश आ रही थी मैं वही कह रही थी, मैं कहा जब बारिश रुकेगी निक्की तभी निकलेगी। हाँ। तो भीगी आई है तू? नहीं नहीं मैं रुकने के बाद ही निकली थी, हल्की फुल्की बूंदा भाई, फिर मैं चुन्नी मुन्नी ले ली थी मैंने ऐसे। हाँ सारा दिन बारिश आती रही है, सारा मजेदार बारिश थी, सारा दिन बारिश। हाँ बड़ी सुबह बड़ी तेज बारिश आई है और 1:30 बजे जब मैं दूध लेने गई हूँ करने लेने गई सब हल्की, मैं भीग के आई हूँ, मैं पोहे नहीं थे, पोहे लेने के लिए सामने दुकान पे गई भीग के आई थी, मैं भीग के आई, फिर दही लेने चली गई फिर भीग के आई, पर पोहे तो टेस्टी बने हैं। हाँ हाँ और तूने पानी पानी में रख लिए होंगे, उसको छाननी में नहीं छानने होंगे, छाननी में छानने पड़ते हैं, अलग अलग करने पड़ते हैं। मेरे तो सरिता ने बनाए थे, बहुत अच्छे बनाए, आज मैं सोनिया को भी दिए, डॉली को भी दिए, तेरे को भी दिए, मैंने कहा खाओ सारे थोड़े थोड़े कोफ्ते खाओ, अच्छे हैं, कड़ी पत्ता डाल के अच्छे बनाए थे, जितनी मर्जी बारिश हो जो मर्जी हो ऊपर जाके कड़ी पत्ता तोड़ के लाती है, बारिश में तोड़ के लाए। वैसे तो खाना अच्छा एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। बस आज का गाइस ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, बस इन्होंने रोटी खा ली है, ऐसे ही बोल रहे थे मैं रोटी नहीं खाऊंगा रोटी नहीं खाऊंगा जब मेरी भूख लगेगी। गाइस जब भूख लगती है इंसान हर कोई रोटी खाता है, और ऐवें लोगों की गलतियों की सजा को मैं भुगत रही हूँ, दुकान पे कोई ना कोई किसी से हुआ होगा, कोई पंगा हो गया या कोई सामान सही नहीं बना क्या बना, बस लोगों की गलतियों की सजा कई कई बार मैं ही भुगतती हूँ, उनका गुस्सा मुझ पे निकालते हैं। तो गाइस रोटी खा ली है इन्होंने, तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और हमारी इंस्टाग्राम की जो आईडी है tarunbasra9, जिन्होंने वहाँ फॉलो नहीं किया वहाँ भी फॉलो कर लो, और हमारे जो ब्लॉग्स हैं फेसबुक पे आते हैं वहाँ भी, अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया फैमिली चैनल के नाम से आते हैं तो जल्दी से वहाँ भी फॉलो कर लो। मिलते हैं कल एक नई सुबह के साथ, बाय बाय गाइस।